तारीख 7 दिसंबर 2022, समय हो गया है 11:41 PM। असल में हुआ ये कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जिस प्रकार का रिजल्ट सामने आया है, एंड आम आदमी पार्टी इज रनिंग ऑन 135 सीट, क्लियर विक्ट्री है, तो कुछ पत्रकार और कुछ लॉजिक और सिस्टम सिस्टम मैनिपुलेटर्स को बुरा लग गया ना। ओके, आप हैं जया कौशिक द्विवेदी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, NDTV है। आपने भी 9 घंटे पहले आपके एक क्लिप अपलोड हुई है यूट्यूब पे, उसमें एमसीडी चुनाव में केजरीवाल जी की जीत और बाकी सारा डेटा वगैरह दिखाया जा रहा है। आपने एक बात कही मुझे कि मेरे बारे में, ये कैसी दोगली नीति है आपकी, मेरी किस प्रकार की, आप बीजेपी सपोर्ट करते, बीजेपी, मैं बहुत बता देता हूँ, ऐसे कुछ सोचा होगा कि बीजेपी कमिश्नर और फिर आम आदमी पार्टी कैसे सत्ता में आ गई। मैडम, सत्ता में कौन आएगा नहीं आएगा ये अकेला मैं तय नहीं करता ना। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रिवान। अब सोचने और समझने वाली बात क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। देखो मैडम, ये दोगली ओगली बात तो मेरे समझ में आती थी, मैंने तो नहीं करा जी ऐसा कुछ। अपने आप को जो है साफ सुथरा साबित करने की पूरी कोशिश है, नीति के मामले में जो है बहुत साफ सीधे अक्षरों में, आई वोटेड टू भारतीय जनता पार्टी, मैंने बटन ही भारतीय जनता पार्टी का दबाया है। वाई शुड नॉट यू गो एंड आस्क टू मिस्टर मोदी टू होम ही वोटेड, वाई शुड नॉट यू आस्क टू मिस्टर अमित शाह टू होम ही वोटेड, आई टेल यू, आई डोंट केयर एज एन प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अ भारतीय जनता पार्टी, एज अ मीडिया इज अनाउंसिंग ही वोटेड टू आम आदमी पार्टी टू केजरीवाल, गो एंड आस्क हिम, ही वोटेड टू अमित शाह ऑल्सो, अमित शाह वोटेड टू आम आदमी पार्टी ऑल्सो। एक मेरा ध्यान किसी और तरफ था एक्चुअली में, जो मोटरसाइकिल गई ना, पिटेंगे बहुत ये लोग, और ये ऐसे नहीं पिटेंगे, अपने पूरे घर परिवार के साथ पिटेंगे ये। और जिस दिन मैं बता रहा हूँ, मैंने इंसर्जेंसी लेने की सोच ली ना सर पे, तो पता नहीं कितनी जनसंख्या बचेगी। बार बार मेरे से सवाल पूछते तो, ये कैनिबलिस्ट क्यों नहीं है, मैंने नहीं किया ना, मैं करता ही नहीं ना, मैं पिप्पे पिप्पे में जाता ना, रेप ना किडनैपिंग ना एक्सट्रॉशन, पैसा सारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के थ्रू रोटेट होता है, मेरा इनकम टैक्स पूरा भरा हुआ है, बैंक अकाउंट दिखता 0 है, और पैसा इतना है सोच भी नहीं सकते। रह गई बात इसकी आम आदमी पार्टी को फाइनेंस करने की, तो फाइनेंस तो मेरे से कोई भी ले जाओ, मैंने मना थोड़ी किया है, मैंने भारतीय जनता पार्टी को बोला ले लो जितना फाइनेंस चाहिए, रोका थोड़ी है। आपको शायद पता नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, यहाँ तक कि पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक का ओनर हूँ, ओनर ओनर हूँ, मैं खरीदी है मैडम, कांग्रेस का ओनर हूँ। आप है कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन प्रशांत प्रताप सिंह, आपने भी यही बात कही ना कि आप इस प्रेस रिपोर्टर को सपोर्ट करते हैं दोगली जैसी शब्द पे। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या क्या बर्ताव होने वाला है, आपको शायद पता नहीं, आप जिस चैनल में बैठे हो ना, समझ में आई, मैं ओनर हूँ उसका, NDTV देख लो। मुझे नहीं पता वहाँ स्टाफ पसंद करेगा नहीं करेगा आपकी भाषा, उनको क्या, या तो आप अपने फैक्ट को में ना थोड़ा करेक्ट हो जाओ, फैक्ट चेक, आप कह रहे हो मैंने दोगली नीति अपनाई, कैसे है मैं भी तो सुनूं, कोई कारण। अब मैं आपके बारे में कुछ बताऊं,
रावी पीजदा वाला गेम डिजाइन आपने किया था? रावी पीजदा वाला गेम आपने डिजाइन किया था? आठ बहनें हो आप, ओशीन नाम की लड़की आपकी बहन है, राबी पीरजदा आपकी बहन है। आप ही ने मंत्रालय के सारे फेक आई कार्ड वगैरह बना के दिए उसको और इसके संसद भवन के। आपने बना के दिया है। नेहा कौन है? राबी पीरजदा का नाम नेहा है? हैं? क्या हुआ यार, आप मुझे कह रहे हो क्या नाम है इसके व्यक्ति का? प्रशांत प्रताप सिंह, कांग्रेस स्पोक पर्सन हो, ओनर के बारे में जानते हो कांग्रेस के? नहीं मालूम। कांग्रेस के ओनर का नाम छोड़ो ना, सोनिया गांधी वगैरह की बात कौन कर रहा है, वो पार्टी में है जरूर, है पॉलिटिशियंस है, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे, लड़ो। आम आदमी पार्टी को फाइनेंस किया, दिक्कत किसको? मैं कमिश्नर हूँ इन सभी पॉलिटिकल पार्टी का, कमिश्नर समझते हैं? अभी मैं केजरीवाल जी से बात पता है क्या कर रहा था, मैंने उनको ना सेंट्रल विजिलेंस का लिंक भेजा, प्लेज सर्टिफिकेट कि आप इसमें जो है प्रतिज्ञा ग्रहण कीजिए, कर सकते हैं तो ईमानदारी नहीं, बारादारी की नहीं, ईमानदारी की शपथ ग्रहण करनी है, करना कीजिए, स्वागत है आपका सेंट्रल विजिलेंस में। रावी पीरजदा जी को भी भेजा मैंने, आपने कहा दोगली नीति, नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने कहा नहीं नहीं बोलने दो, जवाब मैं देता हूँ, जवाब दे रहा हूँ ना आपको, आप पूछ सकते हो अमित शाह और मोदी से, आपने वोट किसको किया सर? दिल्ली में बीजेपी के बजाय ये आम आदमी पार्टी पार्टी कैसे आ गई? अरे यार उससे पूछना, एसपीजी रिपोर्ट भेजू? तो मुझे क्यों गालियां दे रहे हो यार, पार्टी सत्ता में कोई भी आ सकता है, मैंने यहां लिख दिया भारत में आम आदमी पार्टी आएगी, वजह है ना, पार्टी के अंदर रह के पार्टी को कमजोर करने वाला मोदी है, मैं थोड़ी हूँ, मैंने तो बीजेपी का बटन दबाया, और मेरे ख्याल से वोट से ही जो है सरकार बनती है, पैसे से नहीं बनती मैडम, वोट ही नहीं किया तो गवर्नमेंट कहां से बनेगी? गवर्नमेंट कहां से बनेगी? अब वो केजरीवाल जाके भले मोदी जी से जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का वो भरवा ले, मतलब दोनों तरफ से लड्डू बेड़े खाने हैं इसने, तो दोगली नीति मेरी है, तो मैं शब्द पे बुरा नहीं माना मैंने, मेरी है दोगली नीति, वाह भाई वाह, तो पार्टी में गद्दार कौन हुआ? अरे मैडम जी क्या बात कर रहे हो, लगाई शर्त एनडीटीवी, एसपीजी रिपोर्ट मंगवा लो ऑल ओवर वर्ल्ड से, किसको वोट किया इसने, मैंने उसी समय इसका फोटो सर्वर रीड कर लिया था, केजरीवाल को वोट किया इसने, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल करवाया इसने, गुजरात में भी किया इसने, बिल्कुल पड़ा है, दिल्ली में वोट इसके कहने पे पड़े, क्यों क्यों? मैं भी तो जानू वजह, हम तो नहीं करते मैडम, हमारा तो भले मैं कांग्रेस का कमिश्नर भी हूँ, मैं कांग्रेस के मामले में बोले ही नहीं, मैंने तो जो करना था आपको शायद पता नहीं, इसीलिए मेरा ट्विटर हैंडल हैक कर रहा था आज, मोदी बैठ के सुना साइबर क्राइम वालों ने थप्पड़ ही थप्पड़ मारे इसके, क्योंकि पता है क्या, सीआईए का एक मैंने ऐसा लूप होल पकड़ लिया जो सीआईए को कमजोर कर रहा था भारत और पाकिस्तान में, आतंकवादियों के लिए काम कर रहा था वो, इंटेलिजेंस वाले आतंकवादियों के साथ काम नहीं करते, चाहे आईबी हो चाहे सीआईए हो चाहे आईएसआई हो, हम तो शुरू से किंग मेकर रहे हैं मैडम, अब मेरे मूड में पाकिस्तान के अगर हालात सुधर गए तो ठीक है, सुधर गए तो अच्छी बात है, नहीं सुधरे तो हमें क्या मतलब, हमने तो मिलिट्री खत्म कर दी वहां की, जरताज गुल वजीर को जो है हम फाइनेंस करेंगे, रोक लोगे आप मेरे को? रोक लोगे? अब आम आदमी पार्टी के पास फंड नहीं है, पार्टी मेरी है ना, आई एम कमिश्नर ऑफ आम आदमी पार्टी ऑल्सो, आई बॉट इट,
सच्चाई नहीं पता तो मैं क्या करूं, न्यूज़ चैनल में बैठ कर लिमिट में बात करूं ना मैडम, अब क्या फ़ायदा आप मेरे को उल्टी सीधी बातें बोलो। जया कौशिक द्विवेदी, आप 8 बहनें हो, राबी पीरज़ादा का वाला जो गेम है आपने डिज़ाइन किया, राबी पीरज़ादा वाला गेम आपने डिज़ाइन किया, समझ में आ गई। मेरे घर का एड्रेस सबको मालूम है, आके यहाँ हॉर्न बजवाने की ज़रूरत नहीं है NDTV। आप सब, यू ऑल आर मैक्सिमम आर अंडर अरेस्ट बाय इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस बिकॉज यू डन लॉट्स ऑफ कैनिबलिज्म इंक्लूड अरुषि, निर्भया, जैसिका लाल। मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में हूँ, समझ में आई। बहुत कुछ बदलने वाला है भारत के अंदर, बहुत कुछ। जांच एक्स फाइल में चल रही है इसलिए मीडिया रिपोर्ट नहीं आएगी, मैं जो कह रहा हूँ बस वही सच है, मानो या ना मानो। नहीं अब आप बताओ ना, मीडिया मेरे से पूछ रहे हो तो मोदी से सवाल करो ना, दिखता है वो दिखेगा कैसे? आप सोचो ना, भारत के अंदर वो मेरा चैलेंज है, इंडियन मीडिया को, इंडियन सीक्रेसी को, भारतीय जनता पार्टी को, उसकी पार्लियामेंट्री कमेटी को, मैं चैलेंज करता हूँ, साबित कर दे मोदी ने बीजेपी को वोट किया, वोट ही नहीं किया तो पार्टी जीतेगी कहाँ से? नहीं मैं चेंज नहीं करता ना, मैं वोट तो बीजेपी को जाए, नहीं तो नन ऑफ द अबव है, वे तो कोई भी नहीं, साफ सीधी बात है। वाई शुड झाड़ू? नहीं ना, नहीं है ना मूड मेरा, नहीं है ना। तो आप बताओ ना, आप कांग्रेस स्पोक पर्सन हो, आप गए घर अब गए? 100 बार समझा दिया ना, मेरे से फालतू उलझुल के सवाल नहीं। देखो हर जगह मैं ही मिलूंगा, न्यूज़ चैनल में ना आओगे ना, वो चलते कूदते क्या कह रहे थे, NDTV में नौकरी नहीं जाती किसी की, क्यों बेवकूफ बना रहे हो बच्चों को, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कौन नहीं फंसा इंटेलिजेंस के नाम पे कैनिबलिज्म, बेवकूफ समझाए क्या? बिल्कुल, कई लड़कियों ने क्या करा, ये लड़की है जया कौशिक द्विवेदी, इसने मंत्रालयों के जो है ना आई कार्ड वगैरह बना के संसद भवन से ले करके राबी पीरज़ादा की एक फ़ोटो है, उसको वो बेवकूफ है, मैं उसे अब भी कह रहा हूँ, देख लड़की उम्र ठीक है तेरी, ईमानदारी का रास्ता अपना ले, बारादारी के रास्ते पे जो है ना तुझे मैं खड़ा हुआ मिलूँगा, सेंट्रल विजिलेंस एक हद है, क्योंकि बाद में मत कहना कि हितेश ने समझाया नहीं, ना मैं नशा करता, ना अफीम ची हूँ, ना स्मैक ची हूँ, ना पिप्पे में जाता, ना कैनिबलिज्म करता हूँ, ना रेप किया, ना किडनैपिंग, ना होस्टिज्म, वीडियो तो एब्यूजिव में क्या होगा, AI भी आपने बनाया, मैंने थोड़ी, गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने दिखाई, मैंने थोड़ी, इंसर्जेंसी मतलब जानते हो, सीमा विश्वास आपने दिखाई, मैंने दिखाई, फिर मेरे पे ब्लेम क्यों, मेरे पे क्यों? आई वुड लाइक टू इम्पोज पेनल्टी ऑन, नहीं, मेरा तो मैडम लड़ाई झगड़ा करते नहीं, पैसे की पेनल्टी ठोकता हूँ छुटते ही। ऑन NDTV रिपोर्टर जया कौशिक द्विवेदी, पेनल्टी ऑफ 500 करोड़ रुपीस फॉर फैक्ट चेक, नहीं शब्द कुछ ज़्यादा बड़ा यूज कर लिया ना, दोगली दोगली बातें, दोगली नीति, पता करो ना, 500 करोड़ रुपीस। नहीं शादी वादी नहीं करता मैं, इतना फालतू टाइम नहीं मेरे पास मैडम, बहुत आसान काम है मेरे लिए, ऐसे ही नहीं बन बैठा मैं इंटरपोल चीफ। मैं आप एक बार बताओ, मैं पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, जापान के बड़े से बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर को तो कुछ समझता नहीं, आप यहाँ बैठ कर जो है न्यूज़ चैनल में बैठ करके जो जो पान चबा रहे हो ना, फायदा नहीं है, समझ में आई?
मेरा सीधा कहना है, देखिए आप कुछ भी कह रहे हैं तो उसको पहले चेक कर लो मेरे मामले में। बहुत बहुत होमवर्क करके बैठा हूँ मैं, बहुत होमवर्क किया हुआ मैंने, इतना होमवर्क करके बैठा हूँ ना। मैंने लिख दिया है भारत में आम आदमी पार्टी आएगी, ये लिखा हुआ है आप सामने। उनके एक वॉलंटियर ने, ऑडियंस ने मेरे से कहा कि सर आपसे निवेदन की राबीपुर जो है मोहल्ला क्लिनिक में अगर आप करा दो तो। मैं करा दूंगा राबीपुर इंजेक्शन, सैंक्शंड, पैसे की चिंता छोड़ दो। मैंने क्या रखा ना, बात कोई पैसे की हो तो मुझसे करो। क्या हो गया आम आदमी पार्टी फाइनेंस करी तो क्यों नहीं करूं, क्यों नहीं करूं? कमिश्नर हूं, आम आदमी पार्टी का ओनर हूं, मुझे पता है इस पार्टी के पास अभी पैसे नहीं फंड। बाकी कोई भी पार्टी आके बात कर लो कि सर फंड की कमी है। ये 1,000, 2,000, 10,000, 1,00,000 करोड़ कोई पैसा है? मैंने भेजे उससे पहले दो ट्रक नोट मैंने भेजे थे केजरीवाल जी के पास, आप रखो मैं जानता हूँ। मैंने वॉलंटियर्स के लिए, बहुत खुशी होती है मुझे आपके वॉलंटियर्स को देख के, रिक्शे वाले, ऑटो चालक, ड्राइवर्स, गोलगप्पे वाले, आम आदमी दिखता है आपकी पार्टी, बहुत खुशी होती है मुझे। इस खुशी को छीन लोगे आप मुझसे? क्यों है दम? अच्छा लगता है मुझे, बट आई वुड नॉट लाइक टू गो फॉर अ स्नैप विद केजरीवाल बिकॉज आई एम इन बीजेपी, बिकॉज आई एम इन बीजेपी। ठीक है, बीजेपी में खड़े होकर फोटो खिंचवाने लायक कोई ऐसा है नहीं जो मेरे साथ खड़ा हो जाए फोटो खिंचवाने की, मुझे भी जरूरत नहीं है। कौन अनीता तवर? अच्छा वो तो घर बैठ गई मैडम, कमल यादव आए ना, मैं हूँ उसका कारण। अनीता तवर कहाँ भाग के जाएगी? मेरे से शादी करी उसने, मैंने करनी होगी तुझे। मेरा व्रत क्यों भंग किया तूने? मैं था उस दिन ब्रह्मचर्य में, क्यों उठाई मेरी SPG? उठाई तो शादी तू करेगी, तेरा बाप भी करेगा, उसके बाद देख क्या करता हूँ मैं। ये बात कह रहा हूँ, उसके बाप से नहीं करनी है। फिर पकड़ी गई किसमें? 800 बच्चे बच्चियां मार दी स्मृति ईरानी ने और उसने मिलकर, और दिख जाएगी इलेक्शन में। बेवकूफ समझा है क्या? मैंने हटवाया उसको, जेल में है वो। उस दिन लाए थे मेरे से, मेरे को दिखाने के, सर मैडम को मारा पीटा नहीं है अभी, इसलिए ज्यादा फड़फड़ा रहे हो बेटा, जो मारते बहुत है हम। पता है आपको क्या किया इन लोगों ने? हैं, लुटियन जोन्स में स्मृति जीवी निरानी की कोठी में बहाने से 800 बच्चे स्कूल के लेके आए नवरात्रे में और सारे काट दिए। ऐसे ही नहीं बैठाई मैंने अनीता तवर घर, उसको 100 बार बोला अरेस्ट से बचना है तो यहाँ। और नीता बेटा, जिस दिन क्रिस्टल क्लियर दिखाया है ना अनीता तवर तुझे, तू जानती नहीं है पिंकी बिस्ट के कैनिबलिज्म करने वाले को हमने कितना मारा है, मरने नहीं दिया उनको। पाइप होता है ना क्रिस्टल क्लियर पाइप, मुंह पे तोड़ दिया था, छुटते ही पहले मुंह पे मारते हैं। समझ में आई? आपको क्या लग रहा है ये खेल आप खेल रहे हो है? मीडिया वालों को यार अजीब लोग भाई, ABP न्यूज में हो आप, मतलब कहते हैं चलो माइक आएगा आपने तो बोल दिया, मतलब जब तक गलती नहीं करोगे हम आपको पकड़ेंगे कैसे? आप ABP न्यूज में हो, जी न्यूज में हो, आज तक में हो, NDTV हो, समा TV हो, आप जियो न्यूज हो, अल जजीरा हो, CNN हो, आप कोई भी हो, टाइम मैगजीन तक, अबे ओनर हूँ मैं। पैसा नहीं बनेगा आप लोगों का, बैठे रहो पिप्पा विप्पा करते हुए देख लिया ना तो मारेंगे बहुत। कोई हो सुधीर चौधरी भी, अबे ओनर समझते हो? ये बांग खा रखी है, अब ओनर हूं, ओनर मालिक हूं, खरीदा है भी तो हंसी नहीं रुकती इन लड़कियों की हरकतें सोच सोच के, पगला गई हो क्या? अरे शादी, अब शादी कर ली तो सुहागरात कौन मनाएगा? अब यही तो बोलो क्या, नहीं तो दफा हो ना यहां से। शादी करी, घर आ, बर्तन मांज, खाना बना, कपड़े धो, उसके बाद जा अपना जहां ड्यूटी करनी है, घर की जिम्मेवारी पूरी कर, दुनिया तेरी है।
नहीं तो मैं नहीं जानता तुम्हें, हु द हेल यू ऑल आर, गेट आउट, बताओ। खुद अमित शाह जो है बीजेपी में रह के आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा है, खुद मोदी वोट कर रहा है, किस लिए? तो पार्टी को कमजोर मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है। ऐसे को तो कपड़े उतार के ना नंगा करके बीच रोड पे भगाओ। अब बीजेपी कमिश्नर हूं तो हूं ना, तो तुम भुगतो ना वहां बैठ के। मैंने कहा बेटा लाइन यहां लगेगी, नाक नीची हो रही है, केजरीवाल भी थूक देगा तुम्हारे मुंह पर, दोगले हो तुम, अपनी पार्टी में ही रह के तुम अपने को सगे नहीं हो। अगर विरोध तो किसी का भी होता, पर ये देखा जाता है कि वोट करते समय किसको वोट किया। विरोध तो पार्टी में अंदर होती है, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है, पर जब वोट करने की बारी है तो अपनी पार्टी को वोट करना होता है। क्या जवाब दें आप जैसे को? आपका आप जया कौशिक द्विवेदी, मैडम न्यूज चैनल का ओनर हूं, और मैं न्यूज चैनल के अंदर आपको कहीं भेजना है या कुछ है सस्पेंडेड, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। क्यों कर रहे नहीं कर रहे वो समझे। हाँ, आपने सवाल पूछा कि ये दोगली नीति क्यों, मैंने जवाब दे दिया। आप अपने जवाब के मेरे सवाल मतलब आपने सवाल के हिसाब से मेरा जवाब जो है आप जो है लिख लो। सिंपल सा है कि मैडम दोगली नीति मैंने ना कभी अपनाई ना मैं अपनाता। भारतीय जनता पार्टी को मैं शुरू से सपोर्ट करता आया हूँ, था और रहूँगा। वो बटन मैं हमेशा कमल का ही दबाता हूँ, बीजेपी। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ जाके बैठेंगे, विपक्ष में बैठेंगे, क्या पता विपक्ष में भी ना बैठ पाए, फर्क नहीं पड़ता है, राइट? और फाइनेंस की बात जो पूछी आपने प्रशांत प्रताप सिंह, ऐसा है जनाब, मैं इन पार्टियों का कमिश्नर हूँ, ओनर हूँ, और पैसे से वोट नहीं पड़ता सर, और पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता है, राइट? चुनाव वोट से जीता जाता है। मैंने अपने हिस्से का काम पूरा किया, बाकी जिम्मेवारी बाकी है। कांग्रेस में तो वोट कभी जाएगा ही नहीं, तो मैं क्या करूं? आप समझो, इंसर्जेंसी पार्टी के अंदर, इंटरनल इंसर्जेंट इज नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, दो तो कंफर्म किए, शायद राजनाथ भी है। इनके कैबिनेट ने ही ऐसा किया है, खुद मेरे ख्याल से अपूर्वा सिंह ने भी ऐसा ही किया, कोई बड़ी बात थोड़ी था। नाउ यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाई शुड आई? मैंने तो कह दिया पार्टी से उठा के बाहर फेंक दो, खर्चा तुम खुद चला लो, लेके दिखाइए जरा मार्केट से पैसा बेटा बीजेपी के नाम पे, या पर्ची कटवाइए फिर बताता हूँ। पैसा मेरा था, है और रहेगा, समझ में आई? अब आप कह रहे हो कि बीजेपी जो है विपक्ष, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मामला ये है कि एक व्यक्ति शक्तिशाली क्यों है, हमारी कमजोरी से होगा? फिर सुपर वॉइस की फीड नहीं सुनी थी क्या चल रही थी? बारादारी से मरियम नवाज से पैसा लेके आने वाला, अब यहाँ बात हो गई केजरीवाल साहब हमारा। मैंने इसीलिए कहा सर जरा विजिलेंस भरना, हम बहुत शरीफ लोग हैं। क्यों? मैंने कहा ना इधर से, मैंने अच्छा जी शरीफ, नवाज शरीफ के ही दोस्त हो आप, तो बेवकूफ़ समझाए क्या? तो दिक्कत क्या है? कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, भर दो विजिलेंस, प्लेज सर्टिफिकेट भेजा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पैसा कहाँ से आया? मेरे दो ट्रक के पैसे मुझे मालूम है, मैं क्यों फंसाऊँ? मेरी तो बात नहीं हो रही थी, आम आदमी पार्टी को चुनाव जो है क्या कहते हैं मरियम नवाज लड़वाएगी। सर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इतना बेवकूफ नहीं हो केजरीवाल जी, जब आपने कहा ना ये पोडियम पे आमने सामने होगी तो बात होगी, बिल्कुल होगी, हम भी बात करना जानते हैं। आपने जैसे ही कहा ना हम बहुत शरीफ लोग हैं, मैंने उसी समय अंडरलाइन कर लिया था, मैंने अच्छा नवाज शरीफ। देखो जी अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति शरीफ कहलाता है ना तो हम भारत में बदमाश ही ठीक हैं, पाकिस्तानी तो कभी नहीं कहलाना चाहता। और पैसा सर मेरा अपना पैसा लेना है, उनकी देनदारी है मेरी तरफ,
मैं लेनदार हूँ, तभी मैंने पैसा कहा। मैंने सर हमसे ही पैसा ले लो ना, कितना चाहिए, चुनाव लड़ लो, कहाँ नवाज शरीफ से पैसा ले रहे हो, आदत से मजबूर हूँ सर, हूँ बिहार बिहार सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हूँ सर जी। नहीं, डेपुटेशन पे आए हो, मैं पहला ऐसा ऑफिसर हूँ जिसके रिकॉर्ड नहीं होते, जानते क्यों, सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देता हूँ। ऐसे ही नहीं भेजा मैंने केजरीवाल जी 2 ट्रक नोट, अरे जनाब क्या हो गया, उधर से पैसा यहाँ क्यों आएगा, वो हमने रोक दिया पैसा, सर हमसे ले लो ना, क्या बात हो गई, बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं आपके, पैसे की कोई कमी नहीं है, ओनर हूँ आम आदमी पार्टी का, चेक तो कर लो एक बार। बहुत खुशी हुई मुझे केजरीवाल साहब कह रहे कि भाई जब आमने सामने बैठेंगे तब बातें बहुत सारी होगी, बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे, एक बार सर विजिलेंस चेक करा लेंगे। नहीं, उस पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, ट्रक हमने पकड़ा सर, वो नवाज शरीफ का पैसा आ रहा था, मरियम नवाज का, वहां 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 मरियम नवाज अरेस्ट हो गई है, ट्रक के साथ साहब शहबाज शरीफ जी भी खड़े हुए थे इधर पार कराने के चक्कर में, शहबाज शरीफ जी रंगे हाथ पकड़े गए, भाग गए। क्या बात कर रहे हो सर, किसने कह दिया, किसने कह दिया सर, बात जब मर्जी करेंगे सर, जैसे जब मर्जी, शुरू है सर, मैं शुरू हूँ सर, बिल्कुल एकदम 100% स्वागत है इन पब्लिक डिबेट। नो, यू सेड यू आर शरीफ पार्टी, नवाज शरीफ पार्टी, व्हाई व्हाई अनीता केजरीवाल वाज ऑन डेली कॉल विद मारियम नवाज शरीफ। अच्छा, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो गई, अब महसूस हो रहा है। तो मैंने क्या कहा सर, देखो मैंने आपको अभी एक ट्वीट किया ना हितेश रेवान से, हाँ सर मैं वही हितेश हूँ, कि प्लीज जरा सेंट्रल विजिलेंस का जो है एक शपथ पत्र जरा भर देंगे, हम भी तो देखें कितने शरीफ और ईमानदार पार्टी के आप जो है क्या कहते हैं मुखिया हैं, क्या हो गया सर इसमें, मैंने भरा हुआ है सर, आप सीबीसी में पता कर लीजिए, बिल्कुल भरा हुआ है, तो आप पता कर लेना सर, एक बार आप भी भर लीजिए, बारादरी के हैं, मैंने नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा सर, सर फोटो सर्वर हम भी पढ़ सकते हैं सर, आपने कहा यू आर फ्रॉम बारादरी, बारादरी से चुनाव और इलेक्शन और अगला पाकिस्तान में इलेक्शन फाइनेंस कराने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, मैंने मैंने एक्सेप्ट किया, हाँ सर आप शरीफ है, बिल्कुल है, इतने शरीफ है किसी ने नवाज शरीफ की पार्टी से निकले, आप कहेंगे यार मंडल को कैसे पता, सर वहां जो पर्ची साइन की गई थी ना उसमें केजरीवाल को पैसा भेजा जा रहा था, और जानते कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम मुस्लिम लीग नवाज, और जानते हो मैं कौन हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ओनर हूँ सर, शायद आपको पता नहीं है, नवाज शरीफ ने वो पॉलिटिकल पार्टी मुझे बेची थी सर, ज्यादा कितने में बेची है आज भी सीक्रेट है, मरियम नवाज को नहीं पता था, मरियम नवाज जी जो है वो सर पीटती भी रह गई थी, नवाज शरीफ जी ने कहा कि ऐसा है, उनको पता नहीं था कि नहीं, शुरू से जो है बायर का नाम नहीं पता होता, मैं हूँ सर वो बायर, अब मान ही नहीं रहे आप, जब मेरे पास खर्चा वहां पे लिख के छोड़ दिया गया, ठीक है, नहीं ज्यादा पैसा तो खैर नहीं था, जो भी है कि ये इंडिया में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को भेजा जा रहा है, वाई, अच्छा जी ठीक है, मैं उसे कैंसिल कर दिया था, नवाज शरीफ मिस्टर शहबाज शरीफ वॉज इन मूड टू इन्वेड इंडिया, मैं हूँ सर, छोटी बातें नहीं करते सर, अब छोटी बातें नहीं करते, पॉलिटिकल पार्टी का ओनर है, अब तो क्या हो गया फिर, तभी मैंने कहा सर इधर से उधर ना करने के बजाय मैं पैसा दे देता हूँ ना आपको, अब 2 ट्रक गिन लीजिए कितना पैसा होगा। मुझे 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 ऐसा नहीं लगता है केजरीवाल जी
स्वागत है पोडियम पे। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि केजरीवाल जी जो है फूट बहुमत से एमसीडी पे भी आ जाए, फिर मजा आएगा। नहीं, पैसे की चिंता नहीं करनी है, डेवलपमेंट हो जाएगा सर। अक्सर केजरीवाल जी इज इन मूड टू shout from the podium that government is not sending the money. Okay, we are inviting you in central, just fill up this pledge certificate of Central Vigilance Commission. I know. Sir, आपने कहा कि स्वागत है, अगर कभी आपसे बात हो पाएगी तो आमने सामने होगी। सर, मैं तो बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ, पूरा होमवर्क करके बैठा हूं। सर, आइए तो सही, 12 तारीख है ये तो ना, 12 तारीख बॉर्डर पार करके जाओ। कोई बात नहीं सर, चालू। देखिए सर, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए पॉलिटिकली जो है, पॉलिटिकली एंगल चाहे कोई सा भी हो, प्लेज सर्टिफिकेट भेजा, अरेस्ट वारंट तो नहीं भेज दिया मैंने। सेंट्रल विजिलेंस का आपको प्लेज सर्टिफिकेट भेजा मैंने, या आप प्लेज लीजिए। कोई अरेस्ट वारंट थोड़ी भेज दिया मैंने आपको, जो मुझे मेरी तरफ जो है उंगलियां उठेगी। सेम इज आई सेंड इट टू योर वंडरफुल एसेट ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी रावी पीस। I know very well them, sir. I'm very honest officer. I'm very much honest officer of myself. No. I'm very much honest officer of myself, and I'm very much honest to myself. Very simply, we catched a lady, Jaya Kaushik Dwivedi from Andy TV. She created a very much fake passes. It's a matter of investigation. Swagat hai Rajneeti mein, sir. To kya ho gaya, sir? सर, अब उनमें से जो मंच गायब कर दे, मंच खा जाते हम, अच्छे अच्छे के मंच खा गए हम। 5 रुपए में आती है सर मार्केट में मंच। आइए तो सही, हम भी इंतजार कर रहे हैं सर। मुझे पता आप ज्वाइंट कमिश्नर रह चुके हैं इनकम टैक्स में, ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स रह चुके, बस सर ज्यादा तो नहीं, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूं सर। बिल्कुल रहा हूं, आईटीसी कंपनी का ओनर हूं सर। आपको मालूम नहीं है, इनकम टैक्स कमिश्नर आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी। मैं बताता हूं ना आपको अपने बारे में, इंडियन टोबैको कंपनी का नाम सुना है? ओके, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका ओनर हूं सर। इसलिए इंडिया में इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट हम चलाते हैं, मानो या ना मानो। मेरे बारे में मुझसे पूछिए ना, मेरे बारे में मुझसे पूछिए। हाँ बिल्कुल, यू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वेरी मच जूनियर टू मी। इट्स नेवर अ सब्जेक्ट व्हाट इज द एज। यस डेफिनेटली, यस डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स हूँ सर, बिल्कुल वो उस स्टाइल में नहीं रहता हूँ सर, एक्चुअली उस स्टाइल में नहीं रहता हूँ। वो ड्यूटी कुछ और है, अपने दोनों मस्त रहते हैं, पर देख लेते कहाँ दिक्कत है कहाँ प्रॉब्लम है। फील्ड ड्यूटी चल रही है सर, मेरा आधार कार्ड जिस पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता है ना, वहां पूरी एंजियोग्राफी कर मारते हम, इतनी सी बात है। तो ठीक है केजरीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिबेट के लिए मुझे कहा तो जवाब मैंने भी दिया आपको, वो यही कि आपने कहा कि भाई आप बहुत शरीफ है, तो मैं मानता हूँ ठीक है कि आप शरीफ हैं, बिल्कुल शरीफ है सर। नवाज शरीफ के घर परिवार से, इतने शरीफ जरूर है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले आप खालिस्तानियों से पैसा लेने के मामले में भी आप चार्जशीट ही ढूंढे शायद। एक कदम और हाँ, नवाज शरीफ की पार्टी जो है ना, पाकिस्तान से भारत में खालिस्तान मूवमेंट,
ठीक है, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट एंड बाबर खालसा ग्रुप को जो है हवा दे रहे हैं, ये चल रहा है, कोई बात नहीं सर, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द आईबी, आई वुड लाइक टू फॉरवर्ड दिस केस टू आईबी आल्सो।